हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा सिंह। मेरा चैनल बी ऑप्टिमिस्टिक के नाम से है, बट यूट्यूब पे आप चित्रा सिंह टाइप करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी एंड माय चैनल्स नेम इज बी ऑप्टिमिस्टिक। आई गेस देयर इज सम कंफ्यूजन, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। मेरा फेसबुक आईडी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे भी एंड इफ यू वॉन्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ओके, सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। मैं जो आज आपसे चीज शेयर करने वाली हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ। कैसे? बिकॉज ये आपको बताएगी कि आपको एक्चुअली हेल्दी कैसे रहना इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। अच्छा, अब वो कैसे पॉसिबल होगा? सो मैं आज आपको, आप समझ ही गए होंगे, मैं आपको हेल्थ हैक्स बता रही हूँ आज। पहला चीज, यू शुड हैव अ हेल्दी डाइट। ये आपको सब बताते होंगे, बट हेल्दी डाइट में भी कैटेगरीज आती है। हेल्दी डाइट कैसे? आप फ्रूट्स खा सकते हो, ये आपको सब बोलते होंगे, बट आप ऐसे अगर आप हेल्दी डाइट खाओगे तो क्या होगा? आपको कोई डिजीज, कोई बीमारी होने का कम से कम चांसेस रहेगा। लाइक कम से कम, अगर कम चांसेस रहेगा तो आप ऑब्वियसली ज्यादा हेल्दी रहोगे। प्लस आप अपनी छोटी छोटी चीजों में चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जो व्हाइट ब्रेड खाते हो उसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड ले लो। प्रॉब्लम ही क्या है भाई, अगर आप व्हाइट ब्रेड खा ही रहे हो तो ब्राउन ब्रेड इज मच 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 हेल्दियर। मैंने खुद दोनों को खाया है और मैंने देखा है, ऐसे कुछ आपके हेल्थ में बहुत कुछ खास डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट आपको खा के खुद ही समझ आएगा, नहीं यार ब्राउन ब्रेड बहुत ज्यादा शुद्ध है, लाइक इन अ वे देन एज कम्पेयर टू व्हाइट ब्रेड। फिर आप जो भी खाना खाइए, ठीक है, अगर आप बहुत लोग होते हैं जिनसे कंट्रोल नहीं होता है खाना, आप खाना खाओ, नो प्रॉब्लम, बट आप ऐसा खाना खाओ कि उसमें सॉल्ट का मात्रा बहुत कम हो। ये नहीं कि भर भर के तेल मसाले डाल लिए और बस खाए जा रहे, उससे नहीं इश्यू सॉल्व होगी गाइस। सो प्लीज प्रॉपर इनटेक लिए आप सॉल्ट का। सॉल्ट जो सेकेंड चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है वर्कआउट। देखिए, वर्कआउट के बहुत डिफरेंट डिफरेंट मायने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंसान को ले लो आप। मेरे हिसाब से आपको जरूरी नहीं, अगर आप जिम फ्री को जिम जाते हो, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड गाइस, बट पर्सनली मैं जिम फ्रीक नहीं हूं, मेरे को जिम जाना पसंद नहीं। तो अगर आप ऐसे इंसानों, क्योंकि ऐसे भी बहुत इंसानों से मैं मिली हूं जिनको जिम जाके अपने आप को किसी और से कमिटेड करना पसंद नहीं एक्सरसाइज में, उनको अपना खुद का एक्सरसाइज, योगा या किसी भी टाइप का एक्सरसाइज, मेडिटेशन ही क्यों ना हो, आप जरूर करो। मैं आपको बोलूंगी आप सुबह थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी एज इन आपके लिए जो भी जल्दी हो। अब जल्दी आपके लिए अगर 11 बजे, दैट इज रॉन्ग। अगर जल्दी आपके लिए 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे, 8 बजे, फॉर दैट मैटर 9 बजे भी है, आप उठो। बट आप एक प्रॉपर डाइट बनाओ, एक दिन लाइक रूटीन बनाओ। अगर आप एक दिन 5 बजे उठ रहे हो, सारे दिन 5 बजे उठो। अगर आप रोज 8 बजे उठना चाहते हो, 8 बजे ही उठो, उससे पहले उठने की जरूरत नहीं, बट कोशिश करो लेट ना हो। आप सुबह उठ के किसी भी एक्सरसाइज का फॉर्म कर सकते हो, थोड़ी देर वॉक कर सकते हो, थोड़ी देर जॉगिंग कर सकते हो, या किसी भी टाइप का योगा कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अपने हेल्थ को मेंटेन रखने। इसमें मैं एक और छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी कि जो मेरे लिए पर्सनली वर्क करता है, मैं अगर सुबह अपने अलार्म टोन में या फिर जब मैं वॉक कर रही हूं, तो अगर मैं कोई सैड सॉन्ग लगा दूं तो मुझे पर्सनली फिर बहुत आलस आती है, बहुत अजीब सा लगता है, नेगेटिविटी जैसे लगती है। तो आपको जो भी डिस्को सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग, कैसा भी सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको देख के बस आपको नाचने का मन करने लगता हो, वही आप अलार्म टोन लगाओ, वही सुन के आप अपनी एक्सरसाइज करो किसी भी फॉर्म की, एक्सेप्ट मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन में पीस चाहिए होता है। सो यस, दिस इज माय सेकंड पॉइंट कंप्लीटेड। थर्ड पॉइंट, डू नॉट स्मोक गाइज। आपको ये सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा, बट फिर भी मैं ये चीज रिपीट करना चाहूंगी, गाइज डू नॉट स्मोक। अगर आप कर रहे हो, आप प्लीज उस चीज के, मतलब स्मोकिंग के इंटेक को कम करो आज से। अगर आप दिन में 4 करते हो, आप उसको 3 करो, फिर धीरे धीरे 2 करो, 1 करो, 1 को कुछ दिन रखो, फिर छोड़ो। एक बार में स्मोकिंग, सबको पता है, एक बार में नहीं छूटेगी, वो आप कर लोगे फिर से आपको मन होगा। सो प्लीज गाइज, अगर आप नहीं कर रहे हो, शुरू मत करना। फ्रेंड्स के साथ चलो एक बार ट्राई करते हैं, प्लीज वो सब मत करना। और अगर कर रहे हो, प्लीज उसकी इंटेक को आज से ही कम कर। सो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और सेकंड लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप 6 मंथ, मैं प्रेफर करूंगी 6 मंथ, बट अगर आपसे नहीं हो पाता है 6 मंथ, मैं हर चीज का आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब ऐसे एक रूटीन चेकअप कर पाए। तो मेरा वही पॉइंट है कि आप 6 मंथ प्रेफरेबल रखो, नहीं होता 1 साल से ज्यादा मत होने दो गाइज, कोशिश करो 6 to 8 मंथ में ही आप अपना रूटीन मेडिकल चेकअप। आप चाहे 2 साल के हो, आप चाहे 50 साल के हो, आप चाहे 80 साल के हो, प्लीज 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 इस चीज पे ध्यान दीजिए। आधे हमारे कंट्री में इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यार उसको फलना डिजीज थी, बट
टाइम पे पता नहीं चला, आधी चीजें आपको टाइम पे पता नहीं चलती क्योंकि आप लोग सोचते हो यार पैसे बचा लेते, मेडिकल रीजंस के लिए पैसे मत बचाओ, आप थोड़े पैसे बचाओगे आपके इतने पैसे लग जाएंगे बाद में उस चीज को मतलब उस सिचुएशन को सही करने के लिए। सो प्लीज गाइस 6 to 8 months के टाइम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि सब कोई फैमिली के सभी लोग अपना होल बॉडी चेकअप कराया करो 6 to 8 months के इंटरवल। लास्ट चीज है कि अपने आप को सन से बचाइए। आपको लगता है कि ठीक है यार एक दिन घूम के आ जाते, एक दिन घूम के आने के बाद मोस्ट ऑफ दी लोग आप लोग अपने स्किन टोन में डिफरेंस देख पाते होंगे। आप किसी बीच पे जाते हो आप बिल्कुल आपका स्किन टोन बिल्कुल 2-3 shades डाउन हो जाता है बिकॉज एक एक मिनट एक एक घंटा मायने रखता है। मैं ये नहीं कह रही सन में मत निकलो, मैं भी निकलती हूँ, आपको भी काम में निकलना सबको होगा, बट आप ये कर सकते हो आप बहुत अच्छे SPF का सनस्क्रीन लगा के निकलो। अगर आपको सनस्क्रीन पे कोई रिव्यूज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक के बारे में चाहिए तो आई लव टू डू इट एनीवेज। सो आप बचाओ क्योंकि सन में आप सबसे सुने होंगे कि यूवी रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, वो आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ दी हेयर, आपके स्किन पे रिंकल्स लाना, रैशेज लाना, रेडनेस होना, ये सब आम बात है अगर आप सन में निकलते हो। और ऑल्सो सन मतलब डिपेंड करता है कि कितना होगा बिकॉज सन कितना लाइट का एक्सपोजर दे रहा है, आप कितना सन से रूबरू हो रहे हो, आप बच रहे हो उससे या फिर पूरे टाइम 1 घंटा 2 घंटा जितना भी दे रहे हैं आप पूरे टाइम सन के अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर ही हो। तो और डायरेक्ट सनलाइट में निकलना इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ, हेयर, बॉडी, स्किन, एनीथिंग। सो प्लीज इस चीज से बचिए। इसके साथ मेरा हेल्थ हैक्स खत्म होता है आज। मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करो हर जगह और बी कॉन्फिडेंट, बी यूथफुल एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। बाय गाइज।